उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही करोड़ों रुपए की योजनाओं को मुंह चिढ़ाता एक वीडियो मुरादाबाद से सामने आया है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग सड़क किनारे बैठकर कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए अपने ओढ़ने वाले लिहाफ में ही आग लगाकर सर्दी से बचने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल मुरादाबाद मंडल में पिछले कई दिनों से गलन वाली ठंड पड़ रही है, जिसके चलते लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी योजनाओं से वंचित खुले आसमान के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके स्थित अंबेडकर पार्क के बगल से सामने आया है। लोगों के चलने वाली फुटपाथ पर पड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति ठंड से बचने के लिए अपने ओढ़ने वाले लिहाफ में ही आग लगाकर अलाव की तरह प्रयोग करने को मजबूर है। जब इस बुजुर्ग से इस बाबत पूछा गया तो वो कपकपाती आवाज में बोले कि उनसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है और नगर निगम द्वारा कोई भी अलाव नहीं लगाया गया है। आपको बताते चले कि बुजुर्ग नगर आयुक्त आवास से महज 200 मीटर की दूरी पर पिछले एक हफ्ते से फुटपाथ पर मरणासन हालत में पड़ा हुआ है। अलाव के लिए सर्दियों में नगर निगम को लाखों रुपए का फंड जारी होता है, लेकिन इस तरह की वीडियो सामने आने के बाद नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। आग क्यों लगा दी, क्या हो गया? आग में टांगे जा रही, मुझे उजाला लग रहा, मुझसे जो है ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही और कोहरा पड़ गया। मैं ये सुन बर्दाश्त नहीं हो रही। कब से पड़े हो यहाँ? मेरा इलाज चल गया था पैर का 2-4 दिन का, मैं जाऊँगा वापस।